हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भटियारा स्टाइल चिकन तहरी की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन तहरी बनाने के लिए हमने 3 से 4 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल को गर्म कर लिया है। 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, साथ में हमने 1/2 टेबलस्पून के अराउंड काली मिर्च ले लिया है, 1 मोटी इलायची यानी कि काली इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, 6 से 7 हमने इसमें लौंग ऐड करेंगे, 1 चक्री फूल, 1/2 इंच के अराउंड जो है हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, इसको हमने ऑयल में ऐड कर लेना है। साथ में हमने यहाँ पर ज़ीरा ऐड करेंगे। जैसे ही गरम मसाला जो है ऑयल में अच्छी तरीके से कड़क जाए, इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को लच्चों में कट कर लिया है, इसको डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब तक प्याज यहाँ पे ब्राउन होता है, इसके लिए हमने मसाला तैयार कर लेंगे। 2 इंच के अराउंड अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, 15 से 20 यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना के पत्ते, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के अराउंड। डाल करके हमने इसका स्मूथली पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इसको रख देंगे साइड में। यहाँ पे देख लेंगे हम ऑनियन को, ऑनियन अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हमने कट कर लिया था, इसको डालेंगे। डाल करके हमने इसमें नमक को ऐड कर लेना है 1 टेबलस्पून के अराउंड। अच्छी तरीके से भूनेंगे, बस हल्का सा टमाटर सॉफ्ट सा हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे पीस के रखा हुआ हरा मसालों को ऐड करेंगे, और थोड़ा सा जार में पानी डाल करके इसको भी हमें ऐड कर लेना है और मिला देना है अच्छी तरीके से। जैसे ही अच्छी तरीके से भून जाए ना, इसमें हमने ऐड कर लेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टेबलस्पून के अराउंड धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून के अराउंड कश्मीरी रेड चिल्ली ले लिया है, बिल्कुल कलर के लिए, तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी के साथ 1/2 टीस्पून के अराउंड हल्दी पाउडर ऐड कर लिया था और 1/2 टीस्पून के अराउंड गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया था। मिला देंगे। 1 किलोग्राम के अराउंड हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, वॉश करके जाली में रख लिया था। अब हम इसको ऐड करेंगे और मिला देंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसमें हमने ऐड कर लिया है 100 ग्राम के अराउंड दही, 1 टेबलस्पून के अराउंड जो है लेमन जूस ऐड करेंगे, मिला देंगे। मिला दें अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, 1/2 टीस्पून के अराउंड ले लिया है खुशबू के लिए। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। मिला दें और इसके बाद ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भुनेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसको ओपन कर लेंगे और इसमें हमने चला देंगे एक बार। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी को। पानी मैंने यहाँ पे गर्म ले लिया है, क्योंकि हमने राइस को भीगने के लिए छोड़ दिया है। बासमती राइस ले लें, उसको भिगो लें 1/2 घंटे के लिए, मिक्स कर लें एक बार। इसके बाद हमने इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने भीगे हुए बासमती राइस ले लिया, इसको हमने 1/2 घंटा पहले भिगो दिया था। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल राइस पे बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप नॉर्मल राइस के साथ बना सकते हैं। जैसे ही पानी में उबाला आ जाए, भीगे हुए बासमती राइस को हमने इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चला देंगे एक बार और इसके बाद हमने यहाँ पे नमक को चेक कर लेंगे। अगर आपको इस वक्त नमक कम लगे तो आप नमक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना के पत्ते ऐड कर लेंगे। 1 अच्छा बॉईल आने देंगे। इसको हाई फ्लेम पे हमने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इसके बाद ढक्कन ढक के हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। बस बहुत ही झटपट बनके तैयार होने वाली ये तहरी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे एक बार मैंने इसको चला दिया है, ढक्कन ढक दूँगी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको कुक होने के लिए हमने छोड़ देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तहरी बनके तैयार होता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी का जिस तरीके से ये बुलबुले आ रहे हैं, यानी कि उबाला आ रहा है। इसमें एक बार हमने राइस को ऊपर से नीचे की ओर कर लेंगे। यहाँ पे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारी यहाँ पे तहरी बनके तैयार हुआ है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर से बताएं। यहाँ पे हमने इसको, आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सा ये राइस बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो मैं इसको करने जा रही हूँ सर्व। ऊपर से हरा धनिया से मैंने इसको गार्निश कर लिया है और यहाँ पे हमने सर्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल, दुआ में याद रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।